जब आप 90 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 100 दिन 120 दिन कब पार हो गए, क्योंकि जब आप ब्रह्मचर्य नाश का आदत छोड़ दोगे तब आपको ब्रह्मचर्य नाश करने का ख्याल बहुत कम आएगा और आप ब्रह्मचर्य के सफर में आगे बढ़ते रहोगे। और जब ब्रह्मचर्य नाश का ख्याल आए तब आपको बस इतना अपने आप को कहना है कि मैं यहाँ तक इतने दिन तक आया हूँ तो मैं दोबारा इस गड्ढे में नहीं गिर सकता। मैं अपने वाइटल एनर्जी की कीमत समझता हूँ। 40 दिन की एनर्जी को मैं वेस्ट नहीं कर सकता। और कुछ समय बाद आप इस ख्याल से मुक्त हो जाओगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ 90 दिन ब्रह्मचर्य करने के बाद क्या फ़ायदा होता है अगर कोई बंदा बहुत ज़्यादा ब्रह्मचर्य नाश किया है। वह अब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होगा, लेकिन जब वह 90 दिन तक पालन कर लेगा वह जो पहले था उससे कई गुना तेज बेहतर बन जाएगा। चेहरे पर तो चमक आएगा ही, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर कॉन्फिडेंट हाई हो तो कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। आवाज़ भी बदल जाएगा, और आप भीड़ में बात करने से अगर पहले डरते थे तो वह डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होगा, उसके लिए आप मेहनत करोगे, अपने समय का सही उपयोग करोगे। लोग आपके अंदर बदलाव देखकर बोलेंगे, भाई आप पहले से बदल गए हो, पहले आप कैसे थे और अब आप पूरा बदल गए हो। यह सब फायदे तभी होंगे जब आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। मेडिटेशन करना आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान के बिना ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। सुबह 4 बजे उठना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, और जितने भी ब्रह्मचर्य के नियम है आपको उन सभी नियम का पालन करना है, तभी आपको फायदे होंगे, वरना आपको फायदे नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आई एम एडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।